महाराष्ट्र महिला भाजपा अध्यक्ष बनने के बाद वाग विदर्भ के दौरे पर है। शुक्रवार को वह यवतमाल पहुंची। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया, जिसमें शिंदे फडणवीस सरकार ने महिलाओं के सम्मान के लिए क्या निर्णय लिए इसकी जानकारी दी। इसी दौरान एक पत्रकार ने उनसे संजय राठौर को लेकर सवाल किया। पत्रकार ने पूछा, पूजा चौहान मामले में आरोप लगाकर प्रदेश की शिंदे फडणवीस सरकार में मंत्री संजय राठौर का राजनीतिक जीवन बर्बाद नहीं किया। यह सवाल सुनते ही वाघ भड़क गई और भाजपा नेताओं को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसे पत्रकारों को अपने प्रेस वार्ता में नहीं बुलाने की बात कही। दरअसल आयोजित प्रेस वार्ता में पूजा चौहान मामले में राठौर को क्लीन चिट दिए जाने को लेकर सवाल पूछा, जिस पर जवाब देते हुए कहा कि जय राठौर के खिलाफ उनकी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक उनके खिलाफ आरोप दायर नहीं हो जाते। इसी दौरान एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आपने उन पर आरोप लगाकर उनके राजनीतिक जीवन को खराब नहीं किया और क्या आपने राठौर की सुपारी ली थी। इस दौरान वाघ ने कई पत्रकारों को सवाल नहीं करने दिया, जिसको लेकर पत्रकारों और भाजपा नेता के बीच बहस हो गई। भाजपा नेता की बात सुनते ही वह मौजूद पत्रकार और वाघ के बीच जोरदार बहस हुई। वहीं इसके बाद सभी पत्रकारों ने वाघ का विरोध करते हुए वहां से निकल गए। अशी आमची त्या ठिकाणी भूमिका आहे आणि म्हणून कोणी कोणाबद्दल काय बोललं त्याला समर्थन नाही। सगळ्या महिला समान आहेत आणि त्यांच्यासाठी त्या पद्धतीची भूमिका घेतली पाहिजे। राजकारणामध्ये आम्ही जेंडर इक्वालिटी मानतो। तो अपमान, त्या महिलेचा अपमान हा महाराष्ट्राचा अपमान नव्हता का? सुद्धा मागच्या सरकारमध्ये सुद्धा मंत्रीपदावरून काढून टाकायला किती महिने संघर्ष करावा लागला तुम्हाला माहिती आहे? वर्षभरात मी काय काय सहन केलं तुम्हाला माहिती आहे? माझ्या परिवाराने काय काय सहन केलं? मी कोणासाठी लढत होती? मी एका मुलीसाठी लढत होती। त्याच्यामुळे जितकी माझी ताकद आहे ना, ती सगळी ताकद मी लावणार आहे। हे तुम्हाला मी सांगते, आजही लढले, कालही लढले आणि उद्याही लढणार आहे। व्यवस्था है क्या? मैं गई हूँ ना न्यायालय में, आप मेरे को मत भी सिखाओगे। चलिए असले पत्रकार बोलू नका तुम्ही। सुपारे घेऊन इकडे आम्हाला प्रश्न विचारायला येतात।